तराना के ग्राम निहारिया में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। तराना के ग्राम निहारिया में रविवार सुबह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना एवं अनावरण का कार्यक्रम हुआ। अम्बेडकर की यह प्रतिमा गांव की युवती प्रियंका सूर्यवंशी के संकल्प से पूरी हुई। अम्बेडकर के अनुयायी ग्रामवासियों ने समारोह पूर्वक मूर्ति का अनावरण किया। पूरे गांव में डीजे एवं ढोल धमाके के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात कम्युनिटी हॉल के बाहर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तराना विधायक एवं सांसद प्रत्याशी महेश परमार एवं एडवोकेट प्रकाश चौहान सहित सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य सहित ग्रामीण जन शामिल हुए। प्रियंका ने बताया, 5 वर्ष पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि ग्रामीणों को बालिकाओं की शिक्षा के एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दलित समाज को दिलाए अधिकारों के प्रति जागृत के लिए गाँव में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। सूर्यवंशी मेरे छोटे भाई की लड़की है, उसने मेरे घर आके बोला कि अंकल जी मैं मूर्ति बैठाऊँ, तो मैं कि तो मैं तेरे साथ में हूँ, हम पूरे मोहल्ले साथ में रहे, मूर्ति बिठाओ। और हम बाबा जी को हमेशा मान के चलते हैं, इनके नियम धारा कानून से हम जी रहे हैं। मैं सरपंच हूँ नारिया पंचायत में, बगोडिया गुडिया का मैं सामने हैं, तो इसने मेरी राय लेके मूर्ति बिठाई। ये मेरे भाई की लड़की है, भतीजी मेरी। आज किस प्रकार का प्रोग्राम है आज का? अच्छा प्रकार, बाबा साहब मूर्ति बनी, विधायक जी भी आए, हमारे परमार साहब ने जेबीएम का नेता है। की मूर्ति की अगर किसी अगर महापुरुषों की बात करें तो पूरे भारत में बाबा साहब की मूर्ति देश में सबसे ज़्यादा है, और ये हमारे वर्ग के नहीं संपूर्ण वर्ग के लिए बाबा साहब ने कार्य किया। जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा उनमें स्वाभिमान पैदा हो गया, उन्होंने सोचा कि बाबा साहब इतना कुछ कर गए तो हमारे मोहल्ले में भी, ताकि हम इधर निकलें उठें तो सबसे पहले मैं बाबा साहब का दर्शन हो, बाबा साहब से प्रेरणा लें, कोई समाज की कई बेटियाँ आगे बढ़े, इस मंशा को लेकर आज इस बहन ने नारिया में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना करी है। और हजारों मूर्तियाँ आज देश में स्थापित होने वाली हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा बहन को भी। आज बाबा साहब का जो उंगली का इशारा है उस पर हम समाज जा रहे हैं, एकत्रित हो रही है। आने वाले समय में निश्चित हम इस देश के राजा हैं और राजपाट हासिल करेंगे। अब ये जो लोग बोलते हैं कि आरक्षण की वजह से तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अब हम कह रहे हैं हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें हिस्सेदारी चाहिए। जिसकी संख्या जितनी भारी हमें उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग लड़ रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं, और इस देश में भाईचारा का माहौल पैदा हो, देशता बनी रहे, सद्भावना हो, इस प्रकार का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और बाबा साहब किसी के लिए गलत नहीं थे, बाबा साहब ने सबके लिए समान अधिकार दिया, वोट डालने से लेकर पैसे रखने से लेकर। आज से इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं और हमें बाबा साहब के संविधान में शुरू से ही रुचि रही है, और हमने कहीं देख रखा था कि हर गांव में हर मोहल्ले में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति दिखाई देती है। और हम एक टाइम पे मऊ गए हुए थे तो वहां पर मतलब उनका जन्मदिन मनाया गया था, बहुत उत्सव के साथ मनाया गया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारे गाँव में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की जाए, और हमारी जो भी छोटी बहनें हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को देख के, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाबा साहब, हमेशा ये अपने माता पिता को लेकर ये प्रेरणा आनी चाहिए कि माँ पापा ये हाथ हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है, बाबा साहब ये ऐसा क्या मतलब बताना चाहते हैं मेरे दिल और दिमाग में, मतलब ये आप भावना आई। और मैंने फिर हम कई ने हमसे ये बोला कि अपन आधी ले लेते हैं, पर हमने सोचा कि नहीं पूरी लेंगे, क्योंकि खड़े हाथ में रहती है तो वो मूर्ति मतलब प्रश्न उत्पन्न करती है। आपका शुभ नाम जी? प्रियंका सूर्यवंशी।